वेलकम टू नेट फोरम। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई नेटवर्क। बटरफ्लाई नेटवर्क अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले अलग अलग उसमें, क्योंकि ये रिलेटिवली बार बार पूछा जाता है और जब भी पूछा जाता है तो ये हमेशा हेफ्टी मार्क्स कंटेन करता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नंबरों में आता है। 7 नंबर का 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है और पूरे नेटवर्क डिज़ाइन करने को कहते हैं और कहते हैं कि आप उसके बाकी जन पैरामीटर्स हैं उनका असेसमेंट करिए। तो हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट करते हैं आपको समझाना कि कैसे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो जब भी आपके पास ये बटरफ्लाई नेटवर्क बनाने को आएगा तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इधर हम उसकी प्रॉपर्टी देखते जाएंगे, इधर हम नेटवर्क बना लेंगे अपना आराम से, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, इधर बल्कि बनाएंगे इधर नेटवर्क की प्रॉपर्टी देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखिए, अगर हम सिंपल से दो और दो प्रोसेसर्स के ग्रुप का, सॉरी ये तो आपके स्विचेस हैं जिसमें मैंने बताया था कि जो सर्किट्स होंगे वो स्विच कहलाएंगे और जो स्क्वायर्स हैं वो आपके प्रोसेसर्स कहलाएंगे। तो अगर ये दो आपके स्विच का पेयर है तो इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके, इस तरीके से। तो ये जो है वो कहलाता है आपका स्टेज ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें एक एक स्विच और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको कनेक्ट करते हैं इससे ऐसे और इसको करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये कहलाएगा स्टेज वन, ठीक है। अब आइए थोड़ा पैरामीटर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि पैरामीटर समझने के बाद हम इसको और बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब पैरामीटर्स काम छोटे होते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है। तो ये आपका प्रोसेसर लगा देते हैं यहाँ पे, एक प्रोसेसर यहाँ लगा देते हैं, एक प्रोसेसर आपका यहाँ लगा देते हैं और एक प्रोसेसर आपका यहाँ, इसको नाम दे देते हैं P0, P1, P2 और ये हो गया आपका P3, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेमोरी यूनिट लगा देते हैं, मेमोरी यूनिट्स क्या बताएंगी कि कोई भी प्रोसेसर कैसे एक दूसरे से मेमोरी यूनिट्स को आपस में एक्सेस करेगा, M1, M2 और M3, ठीक है। अब देखिए कि अब एक प्रोसेसर है उसको एक मेमोरी यूनिट तक पहुंचना है तो कम से कम कितना डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे जो डायमीटर है आपका जो डी है वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हम डी इक्वल 2 लेकर के चलेंगे और सारे पैरामीटर्स को बटरफ्लाई नेटवर्क के समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है D=2। अब ये टोपोलॉजी कौन सी है, इट इज़ ए इनडायरेक्ट टोपोलॉजी, क्योंकि बहुत से स्विचेस हैं जिनमें कि प्रोसेसर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, प्रोसेसर यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी कि एक प्रोसेसर से दो से ज़्यादा स्विचेस कनेक्टेड हैं इनडायरेक्टली और एक स्विच से एक प्रोसेसर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये कैसा नेटवर्क है, ये एक इनडायरेक्ट नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने होंगे, फॉर्मूला है हमारे पास 2D, दैट इज 2^2 = 4 प्रोसेसर्स होंगे, बिल्कुल सही बात, ठीक है। पहला पैरामीटर आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो ये होता है n, इसका फॉर्मूला होता है और 2D = 2^2 = 4 प्रोसेसर्स, ठीक है। टोटल नंबर प्रोसेसर कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अब आइए देखते हैं अगला पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाउ मैनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड, कितने स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका P log P+1। अब यहाँ पे प्रोसेसर कितने हैं हमारे पास, वो हमारे निकल के आ चुके हैं जो कि हैं 4, और यहाँ पे N और P एक ही बात होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 log of 4+1, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये आपका 2 होता है प्लस 1, इस इज नथिंग बट इज 12। तो कितने स्विचेस की जरूरत पड़ेगी हमें दोस्तों, 12 स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो आइए गिनते हैं क्या हमारे पास 12 स्विचेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 12, 4 3 12, तो हमारे पास टोटल नंबर स्विचेस कितने हैं दोस्तों, 12 स्विचेस। यहाँ तक तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत किस तरीके की नहीं है, ठीक है। तो ये आपके दो पैरामीटर्स हुए, ठीक है। अब क्या जो है वो
और आगे पैरामीटर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस वगैरह देख लेते हैं क्या है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं लॉग पी। अब पी यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इक्वल टू कर देंगे लॉग 4 विच इज नथिंग 2 स्टेजेस। भाई बिल्कुल सही बात है, 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 0 है और स्टेज 1 है, सही है। अभी हम छोटे नेटवर्क को देख रहे हैं, इसको बड़ा करके बाद में और हम सारे पैरामीटर्स को दोबारा उनका आकलन करेंगे। अगला पॉइंट, डेल्टा मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है बताइए। मैक्सिमम डिग्री होती है कि कितना जो है वो कितना ज़्यादा स्विचेस से एक स्विच कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम डिग्री आ रही है स्विच की 3। ये स्विच है, ये 1 2 3 तीन नोड से कनेक्टेड है आपस में, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस m कितनी है, डेट इज 2p log p जो है वो m आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो निकाल दीजिएगा, काउंट करेंगे तो उतने ही आएंगी। अगला जो आता है वो है बाइसेक्शन विड्थ, बाइसेक्शन विड्थ, बाइसेक्शन विड्थ b होती है। अब इसको, अब आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी एजेस हमें काटनी पड़ेंगी, एक ये कटेगी, ये मैं इसको ग्रीन पेन से काटता हूँ, एक ये कटेगी, एक ये कटेगी, एक ये कटेगी और एक ये कटेगी। अगर यहाँ से मैं इस तरीके से काटूँगा तो मेरा जो नेटवर्क है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि बाइसेक्शन विड्थ कितनी आएगी इसकी, 4 आएगी, ठीक है। बाइसेक्शन विड्थ कितनी आएगी इसकी, 4 आएगी। अब क्या कह रहा है कि रैंक कितनी है इसकी, अब आपको बताना है कि रैंक कितनी है। अब रैंक की बात करते हैं, तो अब रैंक जो है वो बेसिकली ये होती है दोस्तों, ये आपकी रैंक 0 होती है, ये रैंक 1 होती है और ये रैंक जो है वो 2 होती है। तो अब जो अमूमन जो बटरफ्लाई नेटवर्क बनाया जाता है तो वो ऐसे करके बनाया जाता है जो कि वर्टिकली ग्रो करता है, तो रैंक जो है वो रोज होती हैं, है ना, और कॉलम्स जो हैं वो इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी मैं अगला नेटवर्क जो बनाऊंगा वैसा ही बनाऊंगा, लेकिन अभी आप अमूमन ये फॉर्मूले के लिए समझ लीजिए, रैंक टोटल रैंक, टोटल रैंक कम्स आउट टू बी इक्वल टू लॉग पी प्लस 1, तो पी तो बताइए कितना है हमें, लॉग 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तीन रैंक होंगी, कौन कौन सी होगी, रैंक 0, रैंक 1 और रैंक 2, ठीक है। तो रैंक 0, रैंक 1 और रैंक 2 ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रैंक बेसिकली नंबर ऑफ रोज को डिटरमाइन करता है, ठीक है, और टोटल नंबर प्रोसेसर जो लगे होते हैं वो कॉलम डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो आपका बटरफ्लाई नेटवर्क है वो जो है वो एक बाइनरी ट्री के तरीके से ही जो है वो वर्टिकली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करता है, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। तो आइए मैं ओरिजिनल नेटवर्क बना लेता हूँ ताकि चीज़ें समझने को आपको आसानी हो जाए, उस तरीके से बना लेते हैं और फिर जो है वो नेटवर्क को उस तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे कनेक्टिविटी होती है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ही स्टेज 0 के लिए, ये आपके स्टेज 0 की कनेक्टिविटी हो गई दोस्तों। जी आप देखिए ये से कनेक्टेड होगा, अब मैं जरा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि डायग्राम्स पहले मैं हाँ पेन चेंज करता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर आपको होती चली जाए। स्टेज
इसकी ड्राइंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बनाइएगा जब आप एग्ज़ाम में बनाएं अपने फाइनली। ठीक है, अब ये तो पूरा स्टेज ज़ीरो थी, ये कौन सी स्टेज कहलाएगी, स्टेज वन कहलाएगी। ठीक है ना, अब आइए इसको ऊपर बढ़ाते हैं। वन टू थ्री फोर, राइट, सो दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, एंड दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, राइट। सिमिलरली दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, दिस विल कनेक्ट टू दिस वन, एंड दिस विल कनेक्ट टू दिस वन। So this is a stage 3. Now let us now find out the ranks of each and every processor. So first we connect the processors also. So to connect the processors we use another pen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Let us now number them. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7, राइट। नाउ लेट अस राइट डाउन देयर पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये आपका तो रैंक जीरो हो गया। रैंक जीरो, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, राइट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ जो स्टेजेस हैं वो कितनी हैं आपकी, जीरो, वन, फोर स्टेजेस, सॉरी थ्री स्टेजेस हैं आपकी, स्टेज जीरो, स्टेज वन और स्टेज टू, और रैंक कितनी है, जीरो, वन, टू, थ्री, यानी कि जो रोज होती हैं, ये रोज इसको नहीं गिनेंगे, प्रोसेसर्स को नहीं गिनते हैं, वी डोंट काउंट प्रोसेसर्स। सो रैंक्स आर दिस स्विचेस आर डिटरमाइन द रैंक। अब रो गिनो, एक, दो, तीन और चार रोज हो गई, प्रोसेसर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये देखो ये पूरा एक इंटरकनेक्शन है बटरफ्लाई नेटवर्क का। ठीक है, ये जीरो रैंक है, ये वन रैंक है, ये टू रैंक है, ये थ्री रैंक है, और ये आपके कॉलम में क्या है, आपके प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, इसको डिटरमाइन करते हैं आई से, इसको डिटरमाइन करते हैं दोस्तों जे से। ठीक है, अब ये तो आप लोग जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ये आप लोग देख ही लोगे, इसमें डेल्टा 4 हो जाएगा और एम की वैल्यू लगाओगे तो वो वैल्यूज आ जाएंगी, स्टेजेस निकाल लोगे, लॉग पी हैं 8 है तो 8 का होता है लॉग 8 का होता है 3, तो तीन स्टेजेस आ जाएंगी। सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो आप इस पर अप्लाई करके आप अपने बारी बारी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि एक इसके आगे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नोड आई जे का मतलब क्या होता है। नोड आई कॉमा जे, आई इज द रैंक और रो एंड जे इज द कॉलम और प्रोसेसर नंबर। ठीक है, अब कोई भी नोड आई, अब आई की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, आई की वैल्यू जो है वो डायमीटर से लेकर के जीरो से लाई करती है, J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू प्रोसेसर, टोटल नंबर प्रोसेसर से लेकर के आपकी जीरो सब के लिए लाई करती है, ये रेंज होती है I की और ये रेंज होती है आपकी J की। अब कोई भी नोड I कॉमा J कनेक्टेड होती है एक दूसरी नोड I माइनस वन कॉमा J से, और नोड I माइनस वन कॉमा M से, ऐसे बना के आना होगा आपको एग्जाम में अपने। कोई भी नोड आई कॉमा जे कनेक्ट होती है नोड आई माइनस वन कॉमा जे से और नोड आई माइनस वन कॉमा एम से। अब एम कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट एम, एम निकालने के लिए मतलब होता है एम निकालते हैं कि जो आईथ
ith जो i की वैल्यू, ये जो i है, ith msb यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ith msb गेट इन्वर्टेड, ith msb को हम इन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ith msb इन्वर्ट करने मतलब क्या है, इसका एग्जांपल यहां बना रहा हूं, जैसे कि नोड है मान लो 1,4, ठीक है, कोई नोड 1,4 है। अब 1,4 कौन सी हुई, ये 1 और 4 गिनो, तो 1,4 हुआ 0, 1, 2, 3, 4, ये नोड इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब नोड 1,4 है तो वो किससे कनेक्टेड होगी, एक नोड 0,4 से कनेक्टेड होगी, ठीक है, 0,4 ये 0,4 से कनेक्टेड होगी, और ये कनेक्टेड होगी नोड 0, अब m निकालना है, तो m कैसे निकालेंगे, m निकालने के लिए ith बिट इन्वर्ट कर दी जाएगी, ith msb बिट कैन इन्वर्टेड ऑफ j, j की ith बिट इन्वर्ट कर दी जाएगी। तो j क्या है, j यहाँ पे 4 है तो 4 को लिखेंगे 100, अब ith का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, तो फर्स्ट msb ये रही, तो फिर ये हो जाएगा 000, यानी कि नोड 00, तो देखें क्या कनेक्टेड है ये 000 से, हाँ साहब बिल्कुल कनेक्टेड है, देखिए तो दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, राइट। सिमिलरली हम और नोड्स का भी इसी हिसाब से निकालते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी आपकी जो बटरफ्लाई नेटवर्क है उसमें नोड्स की कनेक्टिविटी आपकी कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख करके आना है, ये फॉर्मूला लिख करके आना है, m समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, m निकालते हैं ith msb को इन्वर्ट करने के बाद किसकी, j की, ठीक है। तो आप सबके लिए ये आपका पूरा पैरामीटर्स है। अच्छा बटरफ्लाई नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए ये पूरा पैटर्न बटरफ्लाई की शेप में आते हैं, ये पूरा एक डायग्राम जो है वो